दुनिया में बहुत से खतरनाक हथियार मौजूद हैं, मगर मैं सबसे खतरनाक हूं। मेरा नाम नागराज है। मैं प्रोफेसर नागमणि का सबसे खतरनाक आविष्कार हूं। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होंगी। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की वो मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वो मूर्ति पौराणिक है, और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और यही नहीं, उसकी रक्षा सैकड़ों नाग करते हैं, जिसके कारण हमारे 5 आदमी मर चुके हैं। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। एक और खास बात, एक सन्यासी जिसका नाम महात्मा गोरखनाथ है, उस मूर्ति की सुरक्षा करते हैं। वहां के कबीले वासियों का कहना है कि उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं अपने मिशन पर निकल तो चला हूं, लेकिन आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे मिशन पूरा करना ही होगा। लगता है यही सही वक्त है बस्ती में दाखिल होने का। लगता है यही वो पहाड़ी है। ये पहाड़ी तो बहुत खतरनाक है, मुझे इस पर चढ़कर उस मंदिर तक पहुंचना ही होगा। तो ये है वो मंदिर। ये मंदिर तो बहुत बड़ा है। चलो इसके अंदर चल के देखता हूं। ये तो कमाल है। अरे, ये किस तरह का दरवाजा है? लगता है मूर्ति इसके अंदर ही है। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। जाए बस। अरे, दरवाजा खुल रहा है। लगता है नागानंद ने अपना काम कर दिया। तो ये है वो मूर्ति। चलो इस मूर्ति को लेकर यहां से निकलता हूं। अरे, ये क्या? ये सांप तो इस तरफ ही आ रहे हैं। अरे, ये सांप तो मुझे जकड़ रहे हैं। मुझे डसने की कोशिश कर रहे हो, अभी अंजाम देखो। अरे, और सांप आ रहे हैं। विश्वकार का इस्तेमाल करता हूं।
सारे सांप मर गए। हाँ, मिल गई मूर्ति। इस मूर्ति को लेकर मुझे निकलना चाहिए। मुझे यहां से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मंदिर के ऊपर से देखता हूं। वो कौन है मंदिर के ऊपर? ये कैसी आवाज है? मुझे तुरंत इस बस्ती से बाहर निकल जाना चाहिए। वो भाग रहा है, पकड़ो, जाने ना पाए। कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। ये पेड़ यहां कहां से आया? इसे हटा देता हूं। जब तक इस पेड़ की शाखा पर मेरा पांव है तब तक तुम इसे नहीं उठा सकते नागराज। लगता है यही है महात्मा गोरखनाथ।